वेलकम फ्रेंड्स आज हम प्रैक्टिस सेट फोर लेख रहे हैं जो जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के रहेगा इसमें थर्टी क्वेश्चन बिल्कुल जे के एस एस बी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमने रखे हुए हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपको टाइम मिलेंगे फाइव फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू हंड्रेड ट्वेंटी सॉरी वन मिसिंग हो गए कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज़

तो यहाँ पर सेक्शन साफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन से डील करती है थर्ड कह रही है लद्दाख एज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर तो यह एक बार आप खुद देख सकते हो इसको मैं ज़्यादा नहीं इस वीडियो को पास करके एक बार इसको रीड आउट कर लें अगर आपको आती है तो आप आगे चल सकते हैं स्किप कर सकते हैं ठीक है ओके तो ये इसको आप एक बार देख सकते हो ये अभी हम क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि सेवन फाइव कामन हाई कोर्ट सेवन फाइव ठीक है एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव कौंसल्स नहीं होंगे फिफ्टी सेवन कह रहा है ऑफिशियल फोर्टी सेवन तो ये आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करें जल्दी से जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है चिल्का लेक इज लोकेटेड चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चिल्का लेक कौन सी स्टेट में पाई जाती है बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्का लेक पाई जाती है आपकी उड़ीसा में उड़ीसा में ओके क्वेश्चन नंबर टू का यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लाई है मैंने चिल्का लेक इज लोकेट इन उड़ीसा ब्रैकिश वाटर लगून जो है इसको हम कहते हैं इट इज़ लार्जेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी साल्ट वाटर साल्ट वाटर लेक लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है यहाँ पर इंडिया की और इसके साथ साथ आप ये कुछ और पॉइंट्स भी इसमें एक बार रीड आउट कर सकते हैं तो हम आगे चलते हैं वीडियो पास करके एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देख लें क्योंकि मैं टाइम बचा रहा हूँ आपका रिवर्स रिवर इंदर्स ओरिजिनेट फ्राम क्योंकि बहुत सारे लोगों को आती होती चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ मैं इसलिए रिवर इंदर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है जल्दी से बताएँ कौन सी रेंज से तो ये रिवर इंदर्स जो है वो ओरिजिनेट होता है कैलाश रेंज से ओके कैलाश रेंज से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कुछ है इंदोर रिवर की जो लेंथ है वो बत्तीस किलोमीटर लॉन्ग है ट्रांस हिमालय हिमालय रिवर है इट राइज फ्राम सिगे जंगबू ग्लेशियर इन द साउथ वेस्ट तिब्बत नियर द मंसरवर लेक इन कैलाश रेंज तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये पेज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको आप थोड़ा सा एक बार नजर लगा लें अगर आप रिवर्स को पढ़ना चाह रहे हैं ओके तो बात रिवर्स की जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको याद जैसे इंद्र रिवर ओरिजिनेट कैलाश रेंज से हुआ कौन सी जगह पर कैलाश रेंज तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ है दोनों पॉइंट पूछा जा सकता है तिब्बत से हुआ कैलाश रेंज से हुआ और डायरेक्शन को आप रहने दो ठीक है आप ज्वाइन कहाँ पर गिरता है सी में ठीक है तो डायरेक्शन ये भी आप छोड़ क्यों क्योंकि जो मैन मैन रिवर हैं उनको आपको पता ही होगा इंद्रस गंगा ब्रह्मपुत्रा और सोर्थन में कृष्णा गोदावरी महानदी कृष्णा गोदावरी तापी माह ये सारे रिवर आपको पता है कौन कौन सी साइड में गिरते हैं तो आप एक सिक्वेंस से उसको आप कंपेरेटिवली याद कर लो उसके बाद आप ये चीज़ें इसमें देख सकते हैं ठीक है तो इसको एक बार ये रीड आउट कर लो या स्क्रीन लेकर आप इसको टाइम मिले तो इसको पढ़ लेना ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी किस लीडर ने बनाई थी किन लीडर ने जल्दी से आंसर करें स्वराज पार्टी तो स्वराज पार्टी बनाई थी यहाँ पर राइट right आंसर इज सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी स्वराज पार्टी 1923 में ओके सो द क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रोड नेटवर्क वर्ल्ड वाइड दुनिया में रोड नेटवर्क uh, का इंडिया का रैंक क्या है जल्दी से आंसर करें सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यहाँ पर रोड नेटवर्क में फर्स्ट कौन सी है फर्स्ट पे यूएसए है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी जल्दी से आंसर करें तो फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट कांग्रेस की थी यहाँ पर एनी ओके एनी बिसेंट क्योंकि सराजी नायडू भी थी लेकिन ये फर्स्ट इंडियन वूमेन थी ओवरऑल फर्स्ट वूमेन जो वो एनी बिसेंट थी ओके यहाँ पर बता देता हूँ ये थोड़ा सा ये इमेज खराब है लेकिन आप इसको थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके देख सकते हो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जेलसी बनर्जी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बिेंट रही है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबी जी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट क्योंकि एनी बिसेंट इंडियन ओरिजिन नहीं था इनका बर्थ इनका इंडियन नहीं था शिराजी नायडू ओके फर्स्ट इंड इंग्लिश प्रेजिडेंट एक ही बार अंग्रेज जो है को प्रेजिडेंट बना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो था जॉर्ज यूल तो ये आप देख सकते हैं गांधी जो है बिकम प्रेसिडेंट कब बने बेलगाम सेशन में तो ये आप इसको एक बार क्वेश्चन so नंबर जल्दी से बताएं तो ये पाया जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा सेंचुरी में तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है है आपकी आसाम में ओके तो जिम कार्बर्ट नेशनल पार्क जो है ना कार्बर्ट फर्स्ट नेशनल पार्क है ये भी आपने याद रखना है तो काजी रंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका अपना इकोलॉजी इन्वायमेंट से है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटिंग फ्रॉम वाचिंग द अदर इज कॉल्ड यानी ऐसी रिलेशनशिप म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों को फायदा हो रहा है ठीक है फायदा हो रहा है इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म ठीक है तो आपको ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में याद रखना है यहाँ पर मैं लेकर आया म्यूचुअलिज्म जहाँ प्लस का मतलब फ़ायदा प्लस का बेनिफिट ठीक है जीरो का मतलब ना बेनिफिट हो ना इफेक्ट नुकसान हो और माइनस में इफेक्टेड नुकसान होगा यानी तो एक एसोसिएशन है म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा है ठीक है कमर्शलिज्म जिसमें एक को फ़ायदा है एक को ना फ़ायदा है ना नुकसान कुछ भी नहीं ठीक है फोटो कॉर्पोरेशन को इंपॉर्टेंट नहींजम जिसमें एक का कुछ भी फायदा ना नुकसान और एक को नुकसान हो रहा है तो ये एसोसिएशन आपको याद है पैरासिटीज्म में एक को फायदा एक को नुकसान जैसे मच्छर पैरासाइट है इंसान उसका होस्ट है होस्ट और पैरासाइट के रिलेशन में देखो मच्छर को फायदा और इंसान को नुकसान तो इस तरह के एसोसिएशन को कहते हैं प्रिडेशन प्रे प्रशन के साथ प्रे होता है predation में होता है एंड प्रे शिकार और शिकारी तो उसको पता है एक में फायदा एक को नुकसान होगा तो ये आप एसोसिएशन एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंडियन पैनल कोड जो इंडियन पैनल कोड है आईपीसी विल रिप्लेस इस बिल के तहत आई पी सी किस को रिप्लेस करके आ रहा है इंडिया जम्मू कश्मीर में आया है तो ये रिप्लेस किया है किसको रणवीर पैनल कोड को ओके okay? क्रिमिनल मैटर को डील करने के लिए जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर करें जल्दी से बायोडावर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पासड बाई पार्लियामेंट इन बायोडाइवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट ने कब पास किया है इंडिया का जल्दी से बताएं 2002 में ओके क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये जो रेड डाटा लिस्ट शो की है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रेड पैंडा जिसको एथुरस फुलगेंस कहते हैं एथुरस साइंटिफिक नाम को रहने दो रेड पैंडा का क्या कैटेगरी है आपको पता है रेड लिस्ट जो है रेड डाटा लिस्ट उसमें आठ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को तो रेड पैंडा को किस कैटेगरी में रखा है वो जल्दी से आप आंसर करें तो रेड डाटा को इन स्पीशीज में रखा गया है इन स्पीशीज ओके हु द उत्पाला डायनेस्टी इन द कश्मीर उत्पाला डायनेस्टी किसने फोन की थी तो पिछली वीडियो में मेरे स्लीपर टंक वजह से थोड़ी सी गलती हो गई थी मैं आपको बता दूँ अभी मैं क्रैक कर दूंगा उत्पाला डायनेस्टी किसने फोन की थी जल्दी से बताएं तो मैं आपको इसका आंसर अभी आपने कर लिया होगा तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ ये एंशंट हिस्ट्री के कुछ डायनेस्टीज हैं और इनके फाउंडर्स हैं तो ये आपको याद रखने चाहिए ठीक है करकोटा डायनेस्टी दुर्ला बरदाना उत्पाला डायनेस्टी अवंती वर्मान गुप्ता डायनेस्टी परव गुप्ता लाहौरा डायनेस्टी संग्राम राज और देवा डायनेस्टी संग्राम देव ओके तो ये आपको याद रखना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन द लास्ट रेसिडेंट ऑफ डोगरा किंग तो द डोगरा किंग का लास्ट रेसिस्टेंट कौन सी जगह थी तो ये आपकी थी अमर पैलेस ओके अमर महल पैलेस वॉज द लास्ट रेसिडेंट ऑफ डोगरा किंग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर करें जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न ईस्टर्न गेट्स एंड वेस्टर्न गेट्स जो ईस्टर्न गार्ड्स और वेस्टर्न गार्ड्स है इंडिया के यानी ये जो इंडिया के नक्शन में ये वाली साइड और ये वाली साइड है सोर्थ एरिया में तो इसका जो जंक्शन पॉइंट है जहां पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं आप नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स ओके ओके द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस जल्दी से आंसर करें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है वाटर वेपर है मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है इथेन नहीं है इथेन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस ओके वाटर वेपर एक्ट करती है एज अ ग्रीन हाउस ये आपको याद रखना और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो वाटर वेपर्स की वजह से होता है गर्मी को रोकना तो ये आपको याद रखना कन्फ्यूज नहीं होना क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ मेनी पार्ट्स आर इन द जी एंड के रियरक्शन एक्ट ट्वेंटी बहुत सिंपल क्वेश्चन रियक्शन एक्ट ट्वेंटी में कितने पार्ट्स हैं तो राइट आंसर इज फोर्टीन 14 पार्ट है तो ये आपको याद रखना है तो ये आप देख सकते हैं जेएन क्रिएशनेट में 14 पार्ट्स हैं 103 सेक्शंस और फाइव शेड्यूल्स हैं इसकी वीडियो हमने अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन आता है तो जल्दी से बताएं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट गर्म गर्म वाला अब जल्दी सब ट्रॉपिकल क्या होता है गर्म तो कौन सा है जम्मू जम्मू ओके तो कश्मीर जो है वो टेम्परेट में आता है टेम्परेट लद्दाख जो है वो आई थिंक अरिड एरिया में आता है क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर करें विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड ग्रीष्म सीजन इन कश्मीर तो कश्मीर के सीजन को ये भी याद रखें ग्रीष्म कौन से सीजन को कहा जाता है ग्रीष्म 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 कहते हैं आप समर को ठीक है ग्रीष्म 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 गर्मी गर्मी जी जी से जी से गर्मी. तो समर को कहा जाता है समर कब होता है मिड मई टू जुलाई मई टू जुलाई आप जाते हैं मिड कब रहे मई से जुलाई तक गर्मी होती है कश्मीर में तो ग्रीष्म गर्मी को कहते हैं तो ये आप एक बार देख सकते हैं सोन सप्रिंग को कहते हैं ऐसे सोन ऐसे सप्रिंग ये हो गया ग्रीष्म का ग्रीष्म जी से ग्रीष्म और जी से गर्मी समर ठीक है दो हो गए याद आपको वारिश, बारिश को वारिश वारिश, रहनी, बारिश ठीक है ऐसे कोई नहीं है बहुत तो ठंड है भाई शिशु वेरी कोल्ड तो इनका ये टाइम पीरियड भी याद रख सकते हो कब बताए तो ये इस तरह से नाम याद रखने चाहिए आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर भाई जल्दी से नेशनल डे कब इज एब्जॉर्ब किया जाता है एबजॉर्ब इन ऑन कौन से दिन को नेशनल सेंसस डे मनाया जाता है तो आंसर है नाइन फरवरी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस मेंशन है सेंसस एंड डेमोग्राफी तो नाइन सेंसस डे कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन मॉडल विद फोर स्टेजेस आपको पता है फोर स्टेजेस बताई हैं डेमोग्राफी की ये कंसेप्ट डेमोग्राफी ट्रांसलेशन का किसने दिया था जल्दी से आंसर करें वैरन थॉमसन ने ये कंसेप्ट दिया था वैरन थॉमसन डची नेशनल पार्क इज मोस्ट फेमस बहुत सिंपल क्वेश्चन है जल्दी से आंसर करें डीगाम नेशनल पार्क फेमस की स्किल ये है ये फेमस है आपकी हंगूल जिसको कश्मीर स्टैग भी कहते हैं नेशनल स्टेट यूटी एनिमल

में, फॉलोइ आईलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव इंडिया को कौन सा आईलैंड है जहां पर एक्टिव फोन पाया जाता है तो वो आपका है बैरन आईलैंड ओके सो क्वेश्चन आंसर गंगा कौन सा रिवर गंगा की ट्राइब्यूटरी नहीं है इंद्रवती इंद्रवती इज नॉट ट्राइबरी ऑफ गंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ स्टार्टिड फंक्शनिंग एज इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द एयर तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी जल्दी से बताएं तो ये बनी थी आपकी इसका राइट आंसर है सी दो हजार सात में किश्तवाड़ दो हज़ार सात किश्तवाड़ दो हज़ार सात ओके विथ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है कथक ये सारे क्लासिकल डांस है बंगड़ा इज नॉट क्लासिकल डांस ये पंजाब का एक फोक डांस है तो क्लासिकल डांस नहीं है ये

दंदीदार फाट तो ये आपने बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दंडीदार फाट तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है प्रैक्टिस सेट तो एग्जाम तक हम ये कंटिन्यू रखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है एक ही काम करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग